हेलो टू एवरीवन, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट में डॉक्टर अदनान लेके आ गए हैं आप पे ई आवाज पे एक दफा फिर स्पोर्ट्स का रंगारंग प्रोग्राम। और मेरे पास है खबरें बहुत ज्यादा बताने को और कोशिश करूंगा कि क्विकली रिकवर करें हम सारी न्यूज को और कवर करने के बाद हम बाकायदा आगाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल मेरे प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, सबसे बड़ी हेडलाइन जो ताज़ा तरीन हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने दोबारा से T20 के अंदर अपनी नंबर वन रैंकिंग जो है वो रीगेन कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी उन्होंने। न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान के दरमियान जो है आप जानते हैं कि ये आंख मचोरी जो है कुछ अरसे से चल रही थी, कोई नंबर वन और कोई नंबर टू। जैसा कि आपको मैंने अपने रेडियो शो में बताया था कि पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने चूंकि कम मैच खेल रखे थे 25 मैच के बाद और 31 मैच पाकिस्तान के थे, 3206 और 2531 जो पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा था वहाँ पर, ज़रूरी था कि पाकिस्तान अगर अपने आखिरी T20 मैच के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देता है तो पाकिस्तान विल रीगेन द नंबर वन स्टेटस। और हुआ वही एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो कि प्लॉट हुई हुई थी। पाकिस्तान डिफीट न्यूजीलैंड, पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त 181 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान में, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मुकर्रर हदफ पूरा ना कर सकी और 161 रन बनाकर और 6 विकेटों के नुकसान पे जो है वो रन चेज ना कर सकी और पाकिस्तान जो है वो 18 रन से ये मैच जीत गया। इस विक्ट्री के साथ ही जो मेरी अगली हेडलाइन की खबर है, बड़ी खबर, वो ये है कि पाकिस्तान के कामयाब कप्तान सरफराज अहमद अब अपने करियर में ही इज़ द ओनली T20 कैप्टन अंटिल सो फार इन द करंट क्रिकेट जिन्होंने अपनी कप्तानी में कोई भी सीरीज अभी तक नहीं हारी है। सरफराज अहमद जिनको कप्तानी सौंपी गई थी, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के बाद जो 2016 में खेला गया था उसके बाद से पाकिस्तान टीम कोई मैच नहीं हारी और इसी के दौरान एक शॉर्ट सीरीज शामिल है जिसके अंदर एक मैच था जो कि इंग्लैंड में मैनचेस्टर के मुकाम पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड की टीम को वहां पर शिकस्त दी थी, इंग्लैंड की मजबूत टीम को उनको अपने घर में शिकस्त दी थी, इसके अंदर वो मैच भी शामिल है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब जैसे कि बताया कि सरफराज अहमद हैज़ नेवर लॉस्ट अ सीरीज एज अ कैप्टन, तो सरफराज की जो कप्तानी है वो बड़ी डिबेटेबल होगी ये टेस्ट वर्सेस वन डे वर्सेस T20 इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लेयर्स। ये भी आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताऊँगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगली बड़ी खबर जो मेरे पास मौजूद है क्रिकेट से मुतलिक, वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जहाँ पर 3 एशियन जायंट्स जो हैं वो सेमीफाइनल में मिलेंगे। एक वाहिद टीम जो एशिया की टीम जो शामिल ना हो सकी इस सेमीफाइनल की दौड़ में, वाहिद टीम जो माफ़ कीजिएगा आई इस सेमीफाइनल की दौड़ में जो कि एशियन टीम नहीं थी, वो थी चैम्पियंस की चैम्पियंस टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 3 दफ़ा की चैम्पियन टीम है। दे आर द 4th सेमीफाइनलिस्ट टू ग्रैब द स्पॉट इन द लास्ट 4 फॉर द सेमी फाइनल्स फॉर द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की टीमें जो है वो इस वक्त लाइनअप हो चुकी हैं। जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो मंडे को खेला जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 times की चैम्पियन टीम जो है वो खेलेगी अफगानिस्तान के साथ, और जो सेकेंड सेमी फाइनल होगा दैट विल बी द मैच ऑफ द टूर्नामेंट। फाइनल से पहले फाइनल महामुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्लैश ऑफ द टाइटंस, क्लैश ऑफ द जायंट्स। ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ बल्कि पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको मैंने बताया था कि सरफराज अहमद और विराट कोहली जब अंडर 19 में 17 साल की उम्र में आमने सामने हुए थे तो वहाँ पर कामयाबी ने कदम चूमे थे सरफराज अहमद की टीम पाकिस्तान की, और भारत की टीम को शिकस्त हुई थी। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी वही फेट जो है वो रिपीट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, और क्या इंडियन टीम जो है अपनी उस फेट को जो है जो माजी में हुई थी उसको रिवर्स कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीमें जो है बड़े मतवाजन मैच खेल के गई, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को जो है कमज़ोर मत लीजिए। अफगानिस्तान की टीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, पाकिस्तान की टीम को वो पूल डी में शिकस्त दे चुकी हैं, और इसके अलावा कैस अहमद जो हैं वो लीडिंग विकेट टेकर्स की दौड़ में शामिल हो चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मंजरे आम पे आएंगी और देखा जाएगा कि क्या जो है अफगानिस्तान की टीम जो है अपनी रिलायबिलिटी जो है वो उसको कायम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी।
कैसे अहमद के अलावा मुजीब जरदान और ये बड़े नाम जो है देखने में आएगा और ये बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा। भारत की टीम जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त दे के आई, लेकिन अफगानिस्तान की टीम होस्ट न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के आई और यकीन कीजिए कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर डिफीट करने का मकसद मतलब है कि यू आर रियली इन पावर। जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो ज़रियाब की बदौलत जो है वो साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को एक वक्त पे जब पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो लास्ट 4 में जगह बना पाई। अब देखते हैं कि इन मैचेस का क्या होगा। अगली बड़ी खबर आपको देना चाहूँगा, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका ने बड़े ज़बरदस्त जो टेस्ट जो है वो खेला जा रहा था, दिस वॉज ऑल्सो द क्लैश ऑफ द चैम्पियंस, टू बीटिंग साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका इज़ नॉट एन ईजी टॉस, और इंडियन टीम वॉज वेरी गुड अप फ्रंट, विकेट वॉज वेरी डेंजरस एट वन टाइम, द बैट्समैन वर कंप्लेनिंग फॉर द विकेट एंड दे वर सेइंग दैट मैच शुड हैव बीन स्टॉप्ड, बट आई थिंक आई विल बी इन द फेवर ऑफ विराट कोहली कि अगर भारतीय टीम जो है वो उन्हीं विकेट्स पे खेल सकती है तो वाई नॉट साउथ अफ्रीका। लेकिन बहरहाल जी हेडलाइन जी है कि इंडिया 187 एंड 247 एंड देन डिफीटिंग साउथ अफ्रीका 194 एंड 177 बाय 63 रन, साउथ अफ्रीका इवेंचुअली विनिंग द सीरीज 2-1 बट एट लीस्ट समथिंग टू ग्रैब फॉर इंडिया एंड फॉर देयर कैप्टन विराट कोहली। अगर भारत इनको हरा देता तो शायद ये एक हिस्ट्री बन जाती कि कोई एशियन टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। सुरेश रायना जो भारतीय टीम से मिसिंग थे, ही हैज़ बीन नेम्ड इन द 16 मेंबर स्क्वाड फॉर द T20s और जो खेले जाएंगे 3 मैच खेले जाएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनका नाम जो है वो ले लिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स की और महेंद्र सिंह धोनी MSD के दरीना साथी और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के चैंपियन खिलाड़ी जो हैं वो अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। अगली खबर देना चाहूँगा आपको कि मुजीब जरदान जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, 16 ईयर्स और 306 डेज, 16 साल और 306 दिन, अब ये यंगेस्ट एवर खिलाड़ी हो गए हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अंदर हिस्सा लेंगे और जो है वहाँ पर ही इज़ रेडी फॉर हिज हीरोइक्स एंड ही बिकेम द यंगेस्ट नाउ बीटिंग द मिचेल मार्श जिनकी उम्र 18 साल और 170 दिन थी, 18 ईयर्स एंड 170 डेज, उनका रिकॉर्ड अब टूट चुका है। मुजीब इज पिक्ड अप बाय द किंग्स 11 पंजाब और 0.625 मिलियन US डॉलर्स में इनको ख़रीदा गया है। अब देखना यह है कि मुजीब जो है क्या किंग्स 11 पंजाब और प्रीति जिंटा जो है उनकी उम्मीदों पे जो है वो पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। बेन स्टोक्स, यहीं पर आपको खबर देना चाहूँगा एक और मेजर हेडलाइंस, 12.5 करोड़, $1.4 मिलियन में बेन स्टोक को खरीदा गया राजस्थान रॉयल्स की जानब से। ये ओवरसीज प्लेयर्स के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। क्या हुआ जी, अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ओवर गलत पड़ गया, लेकिन किस्मत की देवी अभी भी बेन स्टोक्स पे मेहरबान है। और क्या हुआ कि अगर जो है वो पप के बाहर लड़ाई हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई, अभी भी जो है जो क्रिकेट में उनकी जो पावर है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अभी भी जो है वो कैश कर रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात बेन स्टोक्स के लिए नहीं हो सकती। जहाँ पर बेन स्टोक्स जो है उनको पिक किया गया, ही बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर, वहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब बात देखने में आई कि जो रूट ने इंग्लिश कप्तान और ज़बरदस्त खिलाड़ी और इंग्लिश इंग्लैंड के मैच विनिंग प्लेयर जो हैं, ही रिमेंड अनसोल्ड टिल नाउ। ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी, बहरहाल जी बड़ी खबर थी ये। जहाँ IPL की बात करेंगे तो एक छोटी सी बात मैं हेडलाइंस के दरमियान ये भी बताता चलूँ कि इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं कि IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो है इस वक्त IPL सबसे बेहतरीन लीग जो रेटिंग की जाती है इसकी, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो या बांग्लादेश की प्रीमियर लीग हो या BBL खेली जा रही है, कैरेबियन लीग खेली जा रही है, प्रीमियर लीग खेली जा रही है, उन सब में से सबसे टॉप रेटेड जो लीग है वो IPL ही है। लेकिन IPL को ये बड़ी अजीब बात है कि दुनिया की नंबर वन लीग IPL में दुनिया की नंबर वन टीम के खिलाड़ी नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है जो मुझे हजम नहीं हो रही। अब देखना यह है कि क्या मेरे देखने वालों को ये बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही। IPL इज़ विदाउट द पाकिस्तानी प्लेयर्स, द नंबर वन टीम ऑफ द T20, द चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस और चैंपियंस की चैंपियंस और T20 के चैंपियंस पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इस लीग में नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। और वसीम अकरम ने तो लगे हाथों ये कह भी दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो बैट्समैनों की कामयाबी है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है, देर इज नो पाकिस्तानी पेस बैटरी, दैट्स वाई रन्स आर स्कोरिंग लाइक एनीथिंग इन द प्रीमियर लीग। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हसन अली हैं, उनका एंकल ट्विस्ट हुआ जिसके बायस वो तीसरा जो T20 है वो ना खेल सके, लेकिन ये बड़ी मशकूक खबरें हैं। इसको अब ये अभी कुछ वसूख से कहा नहीं जा सकता कि क्या वाकई उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था, या सरफराज अहमद से जो एक ओवर में देखा गया कि हसन अली का थोड़ा सा जो रवैया था वो इट वॉज लिटिल बिट हार्श, सरफराज उनको बुला रहे थे जिसमें हसन अली ने उनको इग्नोर करके वापस गए और अगली बॉल पे उन्होंने बैट्समैन को बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड करने के बाद उन्होंने सरफराज की तरफ इशारा किया कि दिस इज़ इट, अपने फिनिशिंग जो स्टाइल है उनका, उसके बाद उन्होंने सरफराज को इशारा किया और सरफराज ने उनको गुस्से से अपनी तरफ बुलाया। तो अब ये क्रिकेट के सर्कल्स में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन आई थिंक ये मंजर आम पे कैमरे के सामने कम से कम नहीं आनी चाहिए, और आई थिंक हसन अली शुड नॉट हैव डन दिस। सरफराज एक सीनियर कप्तान है, कप्तान का कहना बनता है, लेकिन हसन अली कैरियर के शुरू में ही अगर ये करने लगेंगे, उनका कैरियर शुरू हुआ है एज अ मर्जिन प्लेयर, वो सामने आए, उनको पाकिस्तान ने नाम दिया, आई थिंक ही शुड कंट्रोल हिज टेंपर। लेकिन अब ये कुछ अरसे बाद पता लगेगा जब PCB की ट्रिब्यूनल बैठेगा कि क्या फैसला हुआ, क्या हसन अली वाकई एंकल इंजरी के बायस बाहर हुए या उनको टीम से बाहर किया गया। अगली हॉट न्यूज़ ये आई हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मतलब जो जल्द ही अब खेली जाएगी अगले साल, कि कोटा ग्लेडिएटर्स इज़ नॉट इन द गुड फाइनेंशियल हेल्थ, और शायद कोटा ग्लेडिएटर्स जो हैं वो फोल्ड बैक कर जाएँ। इसके अलावा दो तीन और फ्रेंचाइजेज भी हैं, उन्होंने अपना नाम ना बताने की ख्वाहिश जाहिर की है और ये बताया है कि उनकी माली हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन अभी तक ये बातें जो है ये थोड़ी हवा में है, क्लियर नहीं है। लेकिन नजम सेठी इज़ फर्मली बैक ऑन हिज टेस्ट, वो कहते हैं कि सुपर लीग का फाइनल जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि पता ये चला कि शायद उसको लाहौर शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि कराची के नेशनल स्टेडियम की जो हालत है वो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये अब टाइम बताएगा कि क्या ये सच है कि झूठ है। उनके मुताबिक 25 मार्च को अकॉर्डिंग टू द कैंपेन जो है ये फाइनल खेला जाएगा, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुबई में 22 फरवरी से उसका आगाज़ हो जाएगा बाज़ाब्ता। वर्ल्ड 11 की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जिन्होंने हॉकी की वर्ल्ड 11 जिन्होंने जॉन फ्लोरेंस वॉन बवलैंडर की के साथ जो है वो पाकिस्तान में हॉकी को रिवाइव करने की कोशिशों में पाकिस्तान आए, जिसमें कराची में मैच खेले गए, लाहौर में खेला गया, लेकिन लोगों की तादाद जो है वो ना होने की बराबर थी। लोगों की तादाद तो छोड़े, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि ये मैच हो कहाँ रहा है, ये कब हो रहा है, इसकी टिकट कहाँ मिलेगी, इसमें कौन खेल रहा है या कौन नहीं खेल रहा। लेकिन वर्न फ्लोरेंस बवलैंडर कहते हैं कि उनका दिल बहुत दुखी हुआ जब वो आए लाहौर के स्टेडियम में, तो उन्होंने आके पहले अपनी तस्वीर देखी और उसको पॉइंट आउट किया, जहां पर उन्होंने 1990 के वर्ल्ड कप फाइनल में टीम पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी, जहां पर बॉन फ्लोरेंस बवलैंडर ने यकीनी दो गोल पेनल्टी कॉर्नर पे पहले दोनों गोल किए थे और मंसूर जो हैं वो बीट हुए थे, और उन्होंने वो सारी यादें ताज़ा की कि दिस वाज द लकी ग्राउंड जहां पर हमने पाकिस्तान को डिफीट किया था, एंड ही वॉन्ट टू सी हॉकी फ्लोरिश इन पाकिस्तान जस्ट लाइक बैक इन द 70s एंड बैक इन द 80s। ऑफ कोर्स इट्स अ नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। अगली बड़ी खबर जो है मेरे पास, जो ये आखिरी खबर है मेरे पास, कि श्रीलंका बीट बांग्लादेश इन द ट्रायंगुलर सीरीज। बांग्लादेश ने एक मैच में हैरत अंगेज तरीके से एक बड़े अच्छे मार्जिन से टीम श्रीलंका को शिकस्त दी थी, लेकिन बिलाखिर श्रीलंका ने आखिरी मैच में एक ज़बरदस्त हैट्रिक की बदौलत, जिसका जिक्र मैं आगे प्रोग्राम में करूँगा, बांग्लादेश की टीम होस्ट को ढाका में शिकस्त दे के ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली। ये थी जी हेडलाइन। अब चलेंगे प्रोग्राम की जानेब, लेकिन यहाँ पर लेना होगा मुझे छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा यहीं से, और शो का स्टार्ट लेंगे हम विराट कोहली की भारतीय टीम इन द साउथ अफ्रीका, वो क्या कर रहे हैं। देखते रहिए ई आवाज़, दिस इज मैच पॉइंट फॉर डॉक्टर। जी वेलकम बैक। बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आपको मैंने बताया कि अब हेडलाइंस के बाद मैं सबसे पहले जो आऊँगा वो आऊँगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली बीट इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज 2-1, एंड व्हाट अ स्वीट वेंच, व्हाट अ स्वीट वेंच फॉर साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका वो टीम थी जिसकी 10
प्लस ईयर्स अवे सीरीज विक्ट्री का जो खात्मा किया था वो इंडियन टीम ने किया था, और उसके बाद इंडियन टीम की उस टीम को साउथ अफ्रीका ने डिफीट किया हु इज हैविंग द 9 कंसेक्यूटिव सीरीज विन्स इन देयर पॉकेट विद द सेम कैप्टन विराट कोहली। बहुत ज़बरदस्त सीरीज देखने में आई। भारत जो है टोटली बैकफुट पे रहा, दो मैचों में साउथ अफ्रीका ने भारत को आउटक्लास कर दिया, लेकिन जो तीसरा मैच था वहाँ की, अब मैं पिच को ये दोष दूँ या बॉलर्स की पावर को बात करूँ, लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि हाशिम आमला, विराट कोहली और पुजारा, उन्होंने बताया कि वाई दे आर द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इन द टेस्ट क्रिकेट, माफ कीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन तीनों बैट्समैनों ने अपनी पावर के बारे में बताया कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इवन इन दिस पिच, जिसके इतनी अन ईवन और इतनी डेंजरस पिच के ऊपर यहीं पर बैट्समैन का टेस्ट है और उसकी ग्रेटनेस का कि हु इज बेटर इन दिस बैटल, और वहां पर ऑब्वियसली विराट कोहली एज वॉज शोइंग इन द बॉलर फ्रेंडली विकेट इन साउथ अफ्रीका। लेकिन जहां पर अजिंक्य रहाणे को डाला गया, रवि शास्त्री और विराट कोहली, इनके जो आपस में सुना के कुछ इख्तलाफात भी थे अजिंक्य रहाणे के ऊपर, तीसरे टेस्ट में रहाणे को डाला गया, दूसरे में पहले ड्रॉप किया गया था भूवी को और भूवी को वापस लाया गया, तो भवेशता कुमार का फैसला और अजिंक्य रहाणे को डालने का फैसला, मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल हॉन्ट इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम, वाई भूवी वॉज नॉट प्रीवियसली इन द मैच एंड वाई अजिंक्य रहाणे वॉज नॉट। अजिंक्य रहाणे के बारे में बताऊंगा कि अजिंक्य रहाणे ने पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और भारत के जो मिडल ऑर्डर है वहाँ पर दोबारा सहारा दिया 40-50 वहाँ पर रन्स लगाकर। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ज़्यादातर जो बैट्समैन दुनिया के हैं वो अपने घर में उनकी एवरेज ज़्यादा है, और ऑब्वियसली भारतीय बल्लेबाज तो उनके 99% ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी घर में एवरेज ज़्यादा है, लेकिन रिकॉर्ड्स ये बताती हैं कि ओवरऑल अजिंक्य रहाणे जो हैं अब ऑल टाइम ग्रेट लिस्ट के अंदर, जहां पर वो बैट्समैन जिनकी अवे एवरेज जो है अपने घर से ज़्यादा है उसमें दूसरे नंबर पर आ गई हैं। पहले नंबर पर जो खिलाड़ी हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के मोहिंदर अमरनाथ, वर्ल्ड कप फाइनल 1983 के हीरो और उनके मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द फाइनल मोहिंदर अमरनाथ, जिनकी 21.86 एवरेज थी। अजिंक्य रहाणे उनसे बहुत करीब 19.46 पे आ चुके हैं। तो ये दो वो बैट्समैन थे जिनकी अपने घर से ज़्यादा एवरेज जो है वो अवे होम में स्ट्रॉन्ग थी। तो आई थिंक कि कोहली के लिए ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट है इन द फ्यूचर कि अजिंक्य रहाणे को इन्वॉल्व करना और मिडल ऑर्डर कहाँ रोटेट कराना है। अब ये भारतीय टीम उनकी मैनेजमेंट रवि शास्त्री और विराट कोहली के सोचने की चीज़ है। विद अ बेटर सिलेक्शन कॉल, अगर ये थोड़ा सा इसको बेहतर सिलेक्शन हो जाती तो शायद मैच जो सीरीज़ है उसका डिसीजन जो है वो 2-1 की बजाय माइट बी वो 2-1 भारत की हक में भी जा सकता था। लेकिन ये इफ एंड बट्स तो क्रिकेट में चलते रहते हैं। इंडिया हैव नो प्लेड 5 टेस्ट इन जोहानसबर्ग और उनका 5 में से उनका आज तक उन्होंने लूज नहीं किया, विदाउट लूजिंग एनीवन। अब जोहानसबर्ग जो है वो दूसरा वेन्यू बन गया भारत के लिए आफ्टर द जॉर्ज टाउन गियाना, जहां पर भारत जो है कोई भी मैच नहीं हारा अवे वेन्यू में से। जॉर्ज टाउन गियाना से मुझे याद आ गया कि ये पाकिस्तान का भी बड़ा लकी ग्राउंड था, जहां पर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अवे मैच के अंदर, जहां पर जब सीरीज़ बराबर की थी इमरान खान की कप्तानी में 1979 में 1989 में, तो यहां पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। तो गियाना जो है वो हमें लगता है कि सब कॉन्टिनेंट की जन्नत बना हुआ है और वेस्ट इंडीज़ के लिए अजाब बना हुआ था उस वक्त की वेस्ट इंडीज़ के लिए भी, जब दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जॉइंट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा डीन एल्गर की, जिन्होंने बैट कैरी किया, बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 81 रन बनाए, बड़े क्रूशल रन थे, एक टाइम पर वो खड़े रहे एक एंड के ऊपर और दूसरे एंड से विकटें गिरती चली गई, हत्ता कि जब हाशिम आमला आउट हुए तो उसके बाद कोई भी बैट्समैन जो है डीन एल्गर का साथ नहीं दे सका। डीन एल्गर ने बैट कैरी किया, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि डीन एल्गर ने यह बैट पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा कैरी किया है। ये बड़े ख़ास बात है हमारे प्रोग्राम मैच पॉइंट की, और ख़ासकर बैट कैरी करना और चौथी इनिंग्स में करना, फोर्थ इनिंग्स में बैट्समैन का टेस्ट होता है जब विकेट डी शेप हुई होती है, वेरी हो रही होती है बॉल की शेप सब कुछ, तो उसके अंदर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है डीन एल्गर की। दिस इज़ द सेकंड टाइम एंड ही इज़ द 6th बैट्समैन इन द 140 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जहाँ पर बैट कैरी किया गया मोर देन वन ओकेजन। डीन एल्गर वॉज ऑफकोर्स द बेस्ट, लेकिन यहाँ पर
डीन एलगर जो है थोड़ा सा उनकी मुतजाद जो है वो एक पर्सनैलिटी भी एक रुख सामने आया, क्योंकि डीन एलगर वॉज द फर्स्ट वन टू कम्प्लेन टू द अम्पायर्स के मैच को स्टॉप कर दिया जाए, जिस पे काफ़ी चहमगोइयाँ हुई क्योंकि विराट कोहली बड़े एग्रेसिव नज़र आए और अक्सर लोगों ने तनकीद की कि विराट को इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद पंजाबी कप्तान की नेचर होती है कि वो थोड़ा सा हो। अब अगर कहा जाए कि वो सचिन की तरह या सुनील गावस्कर या अजहरुद्दीन की तरह बैकफुट पे हो या MSD की तरह, तो वो कैप्टन कूल नहीं रह सकते। विराट शुरू से थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन विराट पर काफ़ी इस पर तनकीद हुई कि मैच की विनिंग शॉट के बाद उनके जो जेस्चर्स थे वो अच्छे और फ्रेंडली नहीं थे, जैसा कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उनके बड़ेपन के मुताबिक होने चाहिए थे। लेकिन ये मैच में सब चीज़ें चलती हैं, दिस इज द हीट ऑफ द टाइम और इमोशंस का जब टाइम होता है तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती हैं। फर्स्ट टाइम हुआ ये इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में जब 20 की 20 विकेटें जो गिरी, इंडिया जब एक टेस्ट खेल रहा था जहाँ पर फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं वो तो मशहूर है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि भारत की सारी विकेटें जो है भारत के टेस्ट के दौरान जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ली हों, तो ये एक पहला ओकेजन था हिस्ट्री के अंदर। इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट है ये ख़राब विकेट विराट कोहली और डीन एलगर और उनके बैट कैरी करने के लिहाज से बड़े अरसा याद रखा जाएगा, क्योंकि बड़ा बेहतरीन टेस्ट हमें देखने को मिला। लेकिन अब जो है अगली खबर आपको देना चाहूँगा, वो मैं जाऊँगा आपको लेके चलेंगे अब न्यूजीलैंड, जहाँ पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की डिस्कशन करनी है। लेकिन उससे पहले एक टाइम हुआ है आपको ट्रिविया बताने का, जैसा कि आपको मैं बताता होता हूँ मैच पॉइंट में ट्रिविया, वो ये था कि टेस्ट क्रिकेट का फर्स्ट एवर जो सिक्स था वो आज जो डेट चल रही है आज से कितने साल पहले, 1898। अब हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, 1898 लगभग एक सदी से ऊपर जो वाकया हो गया है, एक सदी से ऊपर का इसको टाइम बीत गया है, आज के दिन छक्का लगा था पहला। क्योंकि जो छक्का था ये इसलिए मैं पहला छक्का कह रहा हूँ कि इससे पहले एक छक्का लग चुके थे कुछ छक्के, लेकिन उस वक्त ये किया गया था फैसला कि जो भी हिट करेगा वो बाउंड्री के ऊपर अगर बॉल लगेगी तो तब छक्का होगा, लेकिन आपका 5 रन होंगे अगर बाउंड्री से बाहर जाती है या बाउंड्री के ऊपर लगती है बॉल, लेकिन आपको छक्का हकीकी लगाने के लिए उसको ग्राउंड से बाहर फेंकना था। और ये कारनामा सबसे पहली दफ़ा अंजाम देने वाले थे जो डार्लिंग ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था बैक इन द 1898 व्हेन फर्स्ट एवर सिक्स वॉज रिकॉर्डेड। थोड़ा सा मैं आऊँगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जानेब, क्योंकि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ खेली जा रही है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की दरमियान खेली जा रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसमें जो आखिरी मैच थर्ड T20 था, पाकिस्तान विनिंग द मैच बाय 18 रन्स एंड एवेंचुअली विनिंग द सीरीज़ 2-1। मैन ऑफ द मैच शादाब खान, मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को लिमिटेड ओवर 20 ओवर्स फॉर्मेट के अंदर टोटली आउट क्लास हो गया कर दिया। आल्दो के पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेस में था 50 ओवर फॉर्मेट में, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान ने रिवाइव किया, ना सिर्फ रिवाइव किया बल्कि पाकिस्तान ने अपना नंबर वन स्टेटस भी रीगेन कर लिया। और व्हाट अ स्वीट वेंज के न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नंबर वन पे थी और न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने डी थ्रोन करके नंबर टू पे फेंका और पाकिस्तान अब पहले नंबर पे विराजमान हो गया है। पिछला मैच जो पाकिस्तान ने खेला, जो पाकिस्तान का पहला मैच था जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर जीता, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 201 रन बनाए। दिस इज़ द हाइएस्ट टोटल बाय पाकिस्तान इन द T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ग्रीन शर्ट्स का तीसरा बड़ा हाईएस्ट टोटल था। इससे पहले जब मैं हाईएस्ट टोटल की बात करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि मुझे एक वो टोटल भी याद आ जाता है जब पाकिस्तान ने 191 रन बनाए थे। 191 इज़ द ओनली टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जब 14 मई 2010 को पाकिस्तान ने ये स्कोर किया था और 190 रन बनाने के बाद भी पाकिस्तान माइक हसी की वजह से मैच हार गया था। सईद अजमल जो है वो सुना है कि आज तक उनको इस मैच के जो है वो ड्रोने ख्वाब आते हैं और उनको जो है वो सोने नहीं देता माइक हसी का वो ओवर जिसमें माइक हसी ने एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान से खींच लिया था। दैट वाज द ओनली मैच जब पाकिस्तान 190 रन्स के ऊपर स्कोर करने के बाद उसको अपनी बॉलिंग से डिफेंड ना कर सका, वरना तारीख गवाह है कि पाकिस्तान वेन एवर स्कोर्ड एटलीस्ट 190 और अबव दिस पाकिस्तान ऑलवेज डिफेंडेड द मैच अगेंस्ट द टीम्स। एश सूदी की थोड़ा सा बात करेंगे जी। एश सूदी जो स्पिनर है न्यूजीलैंड के, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया T20 में, उनको बड़ा अच्छा, उनको सेंटर के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो देखने में आया। एश सूदी ने जो एक नो बॉल फेंकी बड़ी डिस्प्यूटेड थी, बाद में कमेंट्री बॉक्स में बैठे जो है वो न्यूजीलैंड के सबक प्लेयर साइमन डॉल जो है वो बोले कि अंपायर को ये फैसला रिवर्स करना चाहिए था, जैसा कि
जब प्लेयर जो है वो रन आउट नहीं होता या स्टंपिंग नहीं होती तो रिवर्स हो सकता है, तो इसको भी रिवर्स कर देना चाहिए अगर उनकी गलती हुई, क्योंकि उनकी हील जो थी वो टच कर रही थी लाइन के ऊपर। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हम उनकी नो बॉल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक नो बॉल हो गई, हील टच कर रही थी, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ बिग डील जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इश सूदी के करियर की ये पहली नो बॉल थी। उन्होंने आज तक अपने करियर में कोई नो बॉल नहीं फेंकी और वो बड़े गमगीन दिखाई दिए और उनका बाद में भी कहना यही था कि उन्होंने ये नो बॉल नहीं फेंकी, उनको अपने कदमों का पूरी तरह से मालूम था। बहरहाल जी, थोड़ी सी और बातें करनी है पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन अब T20 के बारे में नहीं, पाकिस्तान की ODI सीरीज़ के बारे में, जहां पर पाकिस्तान ने 5-0 का वाइट वॉश खाया। लेकिन यहां पर मुझे लेना होगा छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो फिर बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड ODI सीरीज़, जहाँ पर पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना था। आप देख रहे हैं ई आवाज़, दिस इज़ मैच पॉइंट। जी वेलकम बैक। आपको मैंने बताया कि ब्रेक से पहले कि आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा पाकिस्तान की ODI सीरीज़ के बारे में, जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो उनको वाइट वॉश का सामना करना पड़ा कीवीज़ के हाथों उनके अपने होम ग्राउंड में। और ये तो आप सब जानते हैं, तारीख गवाया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में जब भी सब कॉन्टिनेंट टीम जाती हैं, एशियन टीम जाती हैं, तो वहाँ खेलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं था या हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चैंपियंस की चैंपियंस टीम, जब चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम साउथ अफ्रीका और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी तो उनकी फेट क्या होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब पाकिस्तान का ये पहला टेस्ट आया था जहां पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड का दौरा करना था, जहां पर पाकिस्तान को टीम को ये हजीमत उठानी पड़ी, जहां पर 5-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अगर मैं डेटिंग बैक टू द हिस्ट्री जाऊँ तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, तारीख में ये तीसरा मौका था। दिस वॉज अ वेरी रेयर ओकेजन, दिस वॉज द थर्ड टाइम वेन पाकिस्तान वॉज बीटन 5-0 इन द ODI सीरीज़। जब पहली दफ़ा ऐसा वाक़ा हुआ था तो दैट वॉज द ईयर 1988, जब इमरान खान जो हैं उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट सदर जनरल ज़ियाउल हक से के कहने पे अपना जो फैसला था कप्तान रिटायरमेंट का वो वापस लिया था। वो वापस क्रिकेट में आए थे और टीम लेके वेस्ट इंडीज़ गए थे, जहां पर विव रिचर्ड्स की वेस्ट इंडीज़ की टीम, डेस्मंड हेड्स, गॉर्डन ग्रीनेज, एक जॉइंट टीम जो मैल्कम मार्शल की टीम थी, वहाँ पाकिस्तान टीम को शिकस्त उठानी पड़ी थी 5-0 से। और उसके बाद पाकिस्तान टीम जब अपने अल्टरनेट होम दुबई में मैच खेल रही थी 2000 में, तो पाकिस्तान को 2000 में वहाँ पर टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो है ये जो है उठाना पड़ा, ये फेस देखना पड़ा 5-0 का। और अब उतने साल के बाद, लगभग 18 साल के बाद पहली दफ़ा ऐसा मौका आया कि जब पाकिस्तान टीम जो है उसको 3-0 के वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। अगर मैं पाकिस्तान के लास्ट 10 कंप्लीटेड ODIs उठा लूँ वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, तो आप बिल्कुल हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे। लॉस्ट 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 लॉस्ट, एक लंबी लाइन मेरे पास मौजूद है न्यूजीलैंड के अंदर मैच की। लेकिन जब पाकिस्तान माजी में जाया करता था, 1994 की जो सीरीज़ है मुझे याद पड़ती है, जब सलीम मलिक कप्तान थे, तो पाकिस्तान के हालात जो है वो यकसर मुख्तलिफ थे, क्योंकि पाकिस्तान के पेसर्स जो हैं वो पाकिस्तान के कई मैच जो है वो डिफेंड कर पाए थे। पाकिस्तान अब जो स्टैंड करता है न्यूजीलैंड के अंदर जो अवे मैचेस का, और मैं विन का अगर परसेंटेज देखूं तो विनिंग 6 एंड लूजिंग 18, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन। अगर मैं लेकिन देखें यहाँ पर थोड़ी सी न्यूट्रल बात भी कर लेती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की कंडीशन टफ है, वहाँ पर खेलना इतना आसान नहीं है जब पाकिस्तान की टीम या कोई भी टीम जाती है। आल दो के स्क्वेयर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, छक्के चौकों की बारिश होती है, लेकिन पाकिस्तान उस माहौल के लिए सेट नहीं होता, टीम को सेट होते होते टाइम लगता है। अगर मैं दूसरी टीमों पर नज़र दौड़ाऊँ तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया है न्यूजीलैंड के अंदर, सिवाय साउथ अफ्रीका की टीम के। तो उसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि अगर मैं साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊं तो दे हैव वन 8 एंड लूजिंग ओनली 3 मैचेस, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, क्योंकि शायद उनको मवाफिक आते हैं और उनका आबो हवा जो है वो ऑलमोस्ट इज लाइक न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की विनिंग टीम, चैंपियन टीम जो उनके बिल्कुल साथ है, उसकी बात करूं तो विनिंग 4 एंड लूजिंग 7, इंग्लैंड विनिंग 3 लूजिंग 5, इंडिया विनिंग 3 लूजिंग 5, श्रीलंका विनिंग 3 लूजिंग 8 एंड वेस्ट इंडीज एट द बॉटम विनिंग 3 एंड लूजिंग 8। लेकिन पाकिस्तान चूंकि मैच ज़्यादा खेला, पाकिस्तान ज़्यादा न्यूजीलैंड किया, दैट्स वाई जो पाकिस्तान है विनिंग 6 एंड लूजिंग 18, इसलिए पाकिस्तान का स्ट्रीक और जो सीक्वल है हारने का
वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा हो गया। रिसेंट ओडीआई सीरीज़ जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेली गई, इसमें रियली पीसीबी को सोचना होगा, मिकी आर्थर को वर्कआउट करना पड़ेगा, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को, टीम कैप्टन सरफराज अहमद जो है, इन सब के लिए लम्हे फिक्री है कि पाकिस्तान के जो टॉप सिक्स बैटर्स थे, पालदो के ये भी कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है हमारे लिए, तो जब से हम बचपन से हम सुनते आए देखा कि पाकिस्तान का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता है, लेकिन अब मिकी आर्थर के लिए, स्टीव डिक्सन और जितने बैटिंग कोच फ्लावर जो हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि टॉप सिक्स बैटर स्कोर्ड 536 रन्स इन 30 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 17.86। दिस इज एन अलार्मिंग साइन, हैव टू रोटेट द स्ट्राइक, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस। जबकि इसी सीरीज में अगर मैं टॉप लास्ट फाइव बैट्समैन कहूँ, टॉप लास्ट फाइव बैट्समैन जब मैं कहूँगा तो मैं वहाँ पर नंबर 7 से नंबर 11 पर जाऊँगा, दिस इज माई टॉप लास्ट जो है वो फाइव, उन्होंने कितने रन बनाए ये आपके लिए बड़ी हैरानी की बात है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है मेरे प्रोग्राम का। 411 रन इन 20 इनिंग्स विद एवरेज ऑफ 20.55, तो दोबारा वही याद ताज़ा हो गई 1992 की सीरीज़ की वर्सेस इंग्लैंड, जब पाकिस्तान वहाँ गया जावेद मियां आज़ाद की कप्तानी में वर्ल्ड कप के बाद, और 1994 जहाँ पर पाकिस्तान का जो टेल थी वो स्कोर कर रही थी, वसीम एंड वकार दे वर पुटिंग देयर पार्ट इन द बॉलिंग एज वेल एज इन द बैटिंग, और दोबारा वही देखते हैं पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के दौरान जो टोटल, अब मैं अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ पिछले 5 साल में ODIs में, तो पाकिस्तान ने 26 ओपनिंग प्लेयर्स जो हैं वो आजमा लिए हैं, ये भी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी शो हो रही है, शो करता है कि एक टीम जो है वो अपने ओपनिंग बैट्समैन और जो टॉप बैटिंग लाइनअप है उसके साथ स्ट्रगल कर रही है। और तारीख गवाह है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडीज़ के पास है, जिन्होंने 27 प्लेयर जो है इस्तेमाल किए थे ओपनिंग एक ज़माने में 5 ईयर्स के अंदर, और जब आखिरी मैच में जब डाला गया उमर अमीन को जब डाला गया तो वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है ये रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम में दोनों के पास मुश्तरक रिकॉर्ड है, जिन्होंने पिछले 5 ईयर्स के अंदर एक टीम का रिकॉर्ड हो जब दे हैव यूज्ड 27 ओपनिंग पेयर्स इन द लिमिटेड ओवर फॉर्मेट, इससे ज़्यादा पेयर जो हैं वो किसी दूसरी टीम ने इस्तेमाल नहीं किए। अब पाकिस्तान की जो कंजेक्टिव ODI लॉसेज है अगेंस्ट द वन टीम, पाकिस्तान का रिकॉर्ड वहाँ पर भी थोड़ा सा ख़राब तो था मगर वो एक टीम के खिलाफ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो पाकिस्तान का मैक्सिमम लूजिंग रिकॉर्ड है, एक स्ट्रीक है पाकिस्तान की जिसमें वर्ल्ड कप आई गेस 1996 का मैच भी शामिल है, और उसके बाद का जो एरा था जहाँ पर पाकिस्तान लॉस्ट 14 मैचेस अगेंस्ट वन टीम, ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक, और उसके बाद ये जो स्ट्रीक थी ये 10 जनवरी 1995 से लेके 24 मार्च 2000 तक रही, अल्टीमेटली जब तक के पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त नहीं दे दी। और जो 9 मैच की स्ट्रीक थी 12 दिसंबर 1992 से लेके 26 मार्च 1993 तक जो रही वो 9 मैचेस थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, अब पाकिस्तान ने उसको ब्रेक कर दिया है, अब पाकिस्तान की जो स्ट्रीक है वो 17 दिसंबर 2014 से लेके आज की तारीख तक ये सेकेंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है वेयर पाकिस्तान हैव बीट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान इज़ बीन बीटन बाई न्यूजीलैंड अनटिल नाउ 2018 जनवरी, और ये जो चीज़ है ये बड़ी लम्हा फिक्री है कि अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बाद 10 पे स्ट्रीक पे न्यूजीलैंड के साथ है, और तीसरी जो स्ट्रीक थी दैट वॉज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और बातें कि पाकिस्तान की जाते जाते हम प्रोग्राम को क्लोज भी करना है मुझे कि पाकिस्तान बैट्समैन परफॉर्मेंस इन ODI इन न्यूजीलैंड, ये बड़ी गौर से सुननी है आपने जी बात, ये अज़र अली को अगर मैं देखूं तो ये आपके ओपनिंग बैट्समैन की बात हो रही है जो टॉप ऑफ द लाइन टॉप बैटिंग ऑर्डर है, 34 रन्स एट द एवरेज ऑफ मेयर 6.8, शुएब मलिक 9 मैचेस 88 रन्स एट द रेट ऑफ 11 क्रिमिनल, मोहम्मद हफीज़ 431 रन्स एट द रेट ऑफ 35.91 एवरेज, मिसबाहुल हक जिनके बारे में टुक टुक कहा जाता था 434 रन, वो तो फिर भी थोड़े बेहतर रह गए एट द एवरेज ऑफ 54.25 रन, कहाँ से ढूंढ के लाएँ आपको मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद 163 रन एट 23.38, इवन इनका रोटेट स्ट्राइक बड़ा अच्छा है, ब्रिस्क खेलते हैं,
आपने देखा अर्ज में होती हैं अक्सर के रोटेट की जाए स्ट्राइक, लेकिन उसके बावजूद दे आर 23.28। अहमद शहजाद 395 रन्स एट द रेट ऑफ 35.90, जबकि मोहम्मद यूसुफ जो थे 293 रन्स, माजी में अगर मैं जाऊँ 24.01। और टीम कप्तान इंजमामुल हक की अगर मैं माजी की एवरेज उठाऊँ तो 23 मैचों में 553 रन्स एट द मेयर एवरेज ऑफ 24.04। यूनुस खान जो है 172 रन्स एट 19.11। तो देखें तो अब तो ओवर टू डेकेड्स जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड जो है वो पेस विकटों के ऊपर और पाकिस्तान से बाहर और ख़ासकर वो न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये होमवर्क था एंडी फ्लावर का, मिकी आर्थर का, स्टीव रिक्सन का, टीम चीफ सेलेक्टर का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। ये हमारा काम नहीं था कि उनको बताते कि टीम रिकॉर्ड क्या था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई। थोड़ा सा बात कर लें जी, फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, बड़ा कम हो जाएगा जाते जाते, कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को जो एक मैच हराने में कामयाब हुआ। बता दूंगा आपको कि 163 रन्स, मेकिंग देयर बिगेस्ट एवर विन बाय द रन्स इन द ODI, उनके लिए बहुत ही नेक शगुन था। अपनी पब्लिक के सामने उन्होंने डिफीट किया तो बिग डे फॉर द बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश उस और अहम मुमकिन था, मैंने सोचा था कि शायद बांग्लादेश ये सीरीज डिफीट भी कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ऐसा ना कर सका और श्रीलंका जो है वो सीरीज़ जीत गया। लेकिन बहुत से मेरे सुनने वाले जो हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को सीरीज़ नहीं हरा सका। तो आप पूछ रहे होंगे कि ये क्यों अच्छा हुआ कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को सीरीज़ नहीं हराई, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ 2-3 मिनट के बाद कि क्यों नहीं हराई। तो जो प्रीवियस उनकी सबसे बड़ी फतह थी वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खुलना में थी, वो 160 रन से शिकस्त दी थी खुलना में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को। तो अब उन्होंने वो इम्प्रूव कर दी है, नो 163 इज़ द बिगेस्ट एवर मार्जिन इन देयर हिस्ट्री। बट इवेंचुअली श्रीलंका विनिंग द सीरीज, और शिहान मुदुगशंका जिन्होंने हैट्रिक की, ही बिकेम द फोर्थ प्लेयर नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ ODI जिन्होंने अपने डेब्यू पे हैट्रिक की है। ये बड़ी अजीब बात है कि हैट्रिक पहले कभी कभी होती थी, लेकिन ये हम मुतवातर ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं ये पिछले 4 सालों में इतनी क्विक हैट्रिक्स हो रही हैं और डेब्यू मैचेस के अंदर। वहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सिर्फ 3 नाम आज से पहले थे, ताजिकुल इस्लाम, केजिकुल रबादा और उसके बाद वेरेंदु हरसांगा, जिन्होंने 3 हैट्रिक्स की थी और उसके बाद आपकी 4th हैट्रिक हो गई है ODI डेब्यू के ऊपर। अ बिग मोमेंट फॉर द शिहान, और शिहान ने ना सिर्फ हैट्रिक की बल्कि मैच भी बचाया और श्रीलंका की टीम को सीरीज भी जितवाई और पाकिस्तान को भी बचा लिया। पाकिस्तान को कैसे बचाया ये बड़ी अजीब बात है, और यही बताऊंगा आपको कि क्यों बांग्लादेश का ना जीतना जो है वो पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हुआ। क्योंकि ये वो अब सीरीज़ थी कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को शिकस्त माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश अगर श्रीलंका को शिकस्त दे देता तो बांग्लादेश रैंकिंग में पाकिस्तान से ऊपर जा चुका होता। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का एक विनिंग स्वीपल बनाया था और उसके बाद से लगातार मैच जीते थे, तो पाकिस्तान रेटिंग में ODI रेटिंग में काफ़ी ऊपर चला गया था रैंकिंग में और बांग्लादेश से ऊपर निकल गया था। लेकिन सारा दारोमदार इस फाइनल मैच के ऊपर था कि अगर बांग्लादेश इस फाइनल मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे देता तो पाकिस्तान को नीचे जाना था और बांग्लादेश ऊपर हो जाता, लेकिन ऐसा ना हो पाया। सो द डिफीट ऑफ बांग्लादेश मीन्स पाकिस्तान रिटेन्ड देयर किलर देयर रैंक इन द ODI। किलर की बात की तो आपको चलें किलर फैक्टर भी बता देते हैं कोई, लेकिन मुझे यहाँ प्रोग्राम को क्लोज करना होगा। क्लोज करने से पहले किलर फैक्टर वन एंड ओनली जी, संभाल के बैठिएगा, सीटें टाइट कर लीजिएगा, बेल्टें लगा लीजिएगा, क्योंकि अमूमन आपको बताता होता हूँ बड़ी अनोखी बात जी, लगा दें जी म्यूजिक, चला दें पीछे किलर फैक्टर का जी। हमारे किलर फैक्टर ये है कि शिव नारायण चंद्र पॉल, जिनको आप जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के ज़बरदस्त बैट्समैन, वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, कप्तानी भी की, और ही हैज़ विटनेस्ड 519 विकेट्स फॉलिंग फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकिंग एंड। उन्होंने अपने मुखालिफ सिम्प पे खड़े हुए जो विकटें गिरती हुई देखी वो 519 विकटें थी। ये क्रिकेट की तारीख में द मोस्ट विकेट सीन बाय द नॉन स्ट्राइकर एंड बाय द नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन का एक रिकॉर्ड है। और शिव नारायण चंद्र पॉल को हम क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन डिफेंस भी कहते हैं, सुनील गावस्कर का नाम हो या इनका नाम हो, विव रिचर्ड्स, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम डिफेंस के नाम से याद करते हैं। यही था मेरा किलर फैक्टर। इंशाल्लाह
जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा आपके पास प्रोग्राम लेके आऊँगा, और जब नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फातिहा है उसका फैसला हो चुका होगा। आपके पास लेके आएंगे हिस्ट्री की जो चार टीमें पहुंची सेमीफाइनल्स में, जिसमें तीन एशियन टीमें पहुंची, उसका आउटकम क्या निकला, तब तक जानने के लिए आपको रहना होगा ट्यून ई आवाज़ पे। यहाँ हमें इजाज़त दीजिए, यहाँ पर मुझे मेरे कैमरामैन शामिस खान समेत इजाज़त दीजिए। डॉक्टर अदनान आपको गुड बाय कहते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।